नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरू हुई तैयारी। बिहार में कोरोना के माहौल के बीच वैक्सीन को पहुंचाने के लिए बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद बिहार में एक दिन में बूथ स्तर पर 100 लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। बिहार में कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में तैयारी शुरू हो गई है और इसका ड्राई रन यानी कि पूर्वाभ्यास भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो पूर्वाभ्यास के वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग के दौरान यह पाया गया कि एक व्यक्ति को कोरोना टीका देने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो ऐसे में 100 लोगों को टीका देने में 8.5 घंटे का समय लग सकता है, जिसके बाद एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को ही पूरे एहतियात के तहत कोरोना का टीका दिया जा सकेगा। बिहार में चढ़ा न्यूनतम पारा। बिहार में ठंड ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिला है, जिसके बाद कई जिलों में ठंड के साथ साथ बूंदाबांदी के आसार भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बिहार का मौसम हालांकि शुष्क बना हुआ है, पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य के अधिकतर जिलों में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिन का तापमान आंशिक रूप से गिरा है, जिसके बाद राज्य के उत्तरी भाग में आंशिक बूंदाबांदी के आसार देखने को मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे में मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। सूबे में सोमवार को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, दिन में धूप थोड़ी देखने को मिलेगी, इसका प्रभाव भी आम दिनों से कमजोर रहेगा। 50% क्षमता के साथ आज से खुल गए बिहार के स्कूल। मार्च के बाद अब जाकर स्कूल में एक बार फिर से छात्रों की गूंज आज से सुनी जा सकती है। कोरोना के माहौल के बीच छात्रों के लिए आज से स्कूल के दरवाजे को खोल दिया गया है, जिसके तहत 50% क्षमता के साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में छात्र आज से जाने लगे हैं। हालांकि फिलहाल सभी स्कूलों को केवल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ही खोला गया है। इतना ही नहीं, छात्रों को कोरोना को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन का पालन किए जाने की भी सलाह दी गई है। भागलपुर में लेमन ग्रास से बनी हर्बल चाय की मांग अब अमेरिका में भी। बिहार के भागलपुर की चाय की खुशबू अब अमेरिका तक जा पहुंची है। कोरोना के माहौल में जिले के पीरपैंती के दुबौली गांव के दो भाइयों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर्बल चाय बनाई और इसे फेसबुक और गूगल के माध्यम से ऑनलाइन बेचने का काम करने लगे, जिसके बाद 4 महीने के बाद ही हर महीने 2000 पैकेट की मांग बढ़ गई है। इससे पहले वो लेमन ग्रास की खेती करते थे और बड़े व्यापारी उनसे सूखे पत्ते खरीदते थे, इस कारण उचित मुनाफा भी नहीं मिल पाता था। भागलपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर स्थित दुबौली गांव में रमन दुबे और रौनक कुमार ने बताया कि 1 एकड़ में लगाए गए लेमन ग्रास अगस्त महीने में तैयार हो गया था। कोरोना को देखते हुए इसके पत्ते से खुद ही हर्बल टी बनाने लगे और फेसबुक और गूगल के माध्यम से इसे बाजार में बेचने लगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी और बिक्री भी बढ़ गई। बिहार पुलिस अकेडमी का पहला बैच हुआ तैयार। राजगीर पुलिस अकेडमी से पहली बार डीएसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षित होकर निकलने वाले हैं, जिसके तहत अकेडमी ने अपने पहला बैच तैयार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पदाधिकारियों को 1 साल का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद 9 जनवरी को राजगीर में इनका पास आउट परेड होने वाला है। इसमें 117 प्रशिक्षु डीएसपी प्रशिक्षण प्राप्त कर जिलों में जाएंगे। गौर करने की बात यह है कि झारखंड बंटवारे के बाद से डीएसपी रैंक के अन्य पुलिस पदाधिकारी को नाथनगर सहित अन्य कई जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती रही है। अब राजगीर में बिहार पुलिस अकेडमी स्थापित होने के बाद डीएसपी का पहला बैच तैयार हो रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजद के एक दिग्गज नेता थे। वो बिहार के अररिया जिले के सिसौना गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के रूप में की थी और 1969 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जो 8 बार विधायक रहे थे। 1989 में वो पहली बार पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो 1996, 1998 और 2004 में किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए थे। उन्होंने 16वीं लोकसभा में सांसद के रूप में अररिया निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाने के बाद अपना अंतिम कार्यकाल दिया। उन्होंने दुनिया को अलविदा 17 सितंबर 2017 को 74 साल की उम्र में कहा था। बिहार में डीटीएच के दर्शकों में आ रही है कमी। कोरोना के माहौल में हर तरफ से व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। वहीं बिहार में भी डीटीएच को लोगों की पहली पसंद की सूची से नीचे उतरते देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो बिहार में डीटीएच का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों का रुझान अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो डीटीएच और केबल की तुलना में ओटीटी प्लेटफॉर्म तेजी से मनोरंजन का बड़ा साधन बनकर उभरा है और यही कारण है कि राजधानी पटना में डीटीएच के नए उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
बिहार में बढ़ रहा है महिला बाउंसर्स का चलन। महिला बाउंसर्स का चलन महानगरों से होते हुए अब पटना शहर पहुंच गया है, जिसके बाद सिर्फ निजी संस्थान ही नहीं बल्कि पटना नगर निगम भी आउटसोर्स के माध्यम से इनकी सेवाएं ले रहा है। नगर निगम की तरफ से पिछले साल अतिक्रमण हटाने के लिए महिलाओं का टास्क फोर्स तैयार किया गया, जिसमें कुल 8 महिलाओं का चयन बाउंसर्स के रूप में हुआ है। अभियान के दौरान इसकी जिम्मेदारी विधि व्यवस्था बनाए रखने की होती है। इन महिलाओं ने अभियान के दौरान मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बीएसटीडीसी ने जारी किया नया टूर पैकेज। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में नया टूर पैकेज जारी किया है, जिसके तहत सिर्फ 600 रूपए में नालंदा, राजगीर, बोधगया और पावापुरी की सैर आसानी से कर सकते हैं। टूर पैकेज की बुकिंग आर ब्लॉक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कार्यालय के काउंटर से सप्ताह के 7 दिन करवा सकते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के अनुसार लोग 1 दिन पहले तक यात्रा करने के इच्छुक लोग आसानी से बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए बस पर्यटकों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम आर ब्लॉक स्थित कार्यालय पर आना होगा। यात्रा समाप्ति के बाद सभी पर्यटकों को वापस इसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। गांधी मैदान में झंडोत्तोलन की तैयारी हुई शुरू। गणतंत्र दिवस पर होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के माहौल में इस बार सीमित कार्यक्रम ही आयोजित करवाए जाएंगे और केवल 10 विभाग की ही झांकी निकाली जाएगी। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में सीमित लोगों को ही प्रवेश की इजाजत होगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह से पुलिस परेड शुरू हो जाएगी। वहीं जिन 10 विभागों की झांकियां निकलेगी उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से सूचना दी जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को दी बड़ी राहत। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत बिहार में अब प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी और जवान आपको ड्यूटी करते नजर नहीं आएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नया आदेश हाल ही में जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान पुलिस और जवानों को अब ड्यूटी नहीं दी जाएगी। विधि व्यवस्था से जुड़ी या फिर किसी अन्य तरह की ड्यूटी में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अधिकारियों और जवानों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब मीटिंग की थी उसी दौरान इस बाबत सहमति बन गई थी और अब पुलिस मुख्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पप्पू यादव की सभा पर एसडीएम ने लगाई रोक। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की आयोजित सभा पर एसडीएम ने रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर के जगदीशपुर स्थित वीर कुंवर सिंह किला मैदान में आगामी 5 जनवरी को होने वाले सभा पर रोक लगा दिया गया है। एसडीएम ने इसके लिए मजिस्ट्रेट बहाल कर थानाध्यक्ष, बीडीओ और सीओ को निर्देश दे दिया है। डीएसपी, एसपी और डीएम को इसकी कॉपी भी भेज दी गई है। अपने आदेश में जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह को एसडीएम ने लिखा है कि किला मैदान में सभा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखने को मिला है कि किला मैदान में सभा करने के लिए जनाधिकार पार्टी की तरफ से सभी चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं, जबकि सभा करने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील। किसान आंदोलन को लेकर इन दिनों राजनीति जोर शोर से जारी है, जिसके बाद राजद ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है, जिसके तहत राजद नेता शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वो किसान आंदोलन को बदनाम करने के अभियान पर रोक लगाए। उन्होंने आगे कहा है कि लोकतंत्र के तानाशाही मानसिकता और मिजाज से नहीं चलाया जा सकता है। सरकार को जरूरत है कि वो लोकतांत्रिक मिजाज का परिचय दे और किसान कानून को वापस लेकर सबको भरोसे में लेकर नए ढंग से इस में आगे बढ़े। कंगना ने अपनी आने वाली फिल्म को लेकर किया बड़ा दावा। कंगना जल्द ही अपनी नई फिल्म धाकड़ के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। वहीं कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि यह बहुप्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय एक्शन क्रू धाकड़ फिल्म पर काम कर रही है, जो एक वर्ल्ड क्लास स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी। कंगना ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि धाकड़ के लिए हमारे पास फोटोग्राफी के प्रसिद्ध फ्रेंच निर्देशक सुओ नगाटा है। विश्व भर में प्रसिद्ध इस इंटरनेशनल एक्शन क्रू के साथ एक वर्ल्ड क्लास स्पाई थ्रिलर बनाने की उम्मीद है। फैन की तरफ से पूछे गए सवाल पर शोएब अख्तर ने दिया शानदार जवाब। पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी क्रम में हाल ही में उन्होंने एक फैन के सवाल का जवाब देकर एक बार फिर से अपनी जगह सुर्खियों में बना ली है। दरअसल शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर पर सवालों और जवाब का एक 20 मिनट का सेशन किया था, जिसमें उन्होंने हैशटैग के साथ खुद से कोई भी सवाल पूछने के लिए कहा था। इस पर एक फैन ने शोएब से रोहित को लेकर सवाल पूछा कि रोहित शर्मा को एक शब्द में बताए। फैन द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब शोएब ने बेहद मजेदार अंदाज में दिया और लिखा, जैसे ही वर्ड मार्केट में आता है तो बताता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज से खुल रहे सभी स्कूलों को कोरोना के माहौल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।